वेलकम बैक गाइस इन अमेजिंग यूनिवर्स। गाइस आज की वीडियो ये एक गेम्स ली गई है जिसका नाम है रियल गैंगस्टर क्राइम 2। गाइस इस वीडियो को इस गेम के आर्मी कैंप वाले एरिया में से वीडियो को शूट किया गया है। गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और गेम का आनंद लें। तो चलिए अब आर्मी कैंप की ओर चलते हैं। ये है आर्मी बेस का कैंप। दोस्तों ये आर्मी कैंप का मेन गेट है। हम इस मेन गेट से नहीं जाएंगे, हम कॉर्नर से होके जाएंगे। लेट्स मूव अराउंड द वॉल्स। अब देखना दोस्तों, जब हम रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, जो आर्मी का रेड लाइन वाला एरिया है, तो यहाँ पर आर्मी एक्टिव हो जाएगी, यानी वो हमें मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देखो कैसे आ रहे हैं आर्मी के जवान, वो फायरिंग कर रहे हैं। पर बॉल से बाहर हूँ तब ये कुछ नहीं कर सकते। देखो कैसे भाग के आ रहे हैं मारने के लिए। आ जाओ आ जाओ। वैसे मैं बॉल्स के बाहर हूँ तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितने मर्जी गोलियाँ चला लें। अब दोस्तों ये जो सामने आर्मी का जेट है, इसे लेके भागना है, यानी इसे चोरी करना है। दोस्तों मौका पाते ही यहाँ से बॉल्स के ऊपर से कूदना है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाना है जल्दी से। अब दोस्तों मैं जंप करने वाला हूँ हेलीकॉप्टर की साइड। लेट्स सी। आर्मी वाले लगातार गोलियां चला रहे हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर भी। देखो हेल्थ एकदम से कम होने लगी है, हेलीकॉप्टर की हेल्थ बहुत कम होने वाली है, आधी तो हो गई। यहाँ पर थोड़ी देर में शायद से अटैक कर लेते हैं आर्मी वालों के ऊपर, फिर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आर्मी के जेट की बहुत कम हेल्थ रह गई है, यानी क्रैश होने वाला है, तो यहाँ से भागना पड़ेगा एकदम से। तो प्लेन के लैंड होने से पहले ही मैंने एग्जिट बटन दबा दिया, तब ये नीचे गिर गया। अब ये पुलिस वाले भी आ गए, एकदम से भागना पड़ेगा यहाँ से।
और ये जो सामने बोट है उसे लेके भागना है ताकि पुलिस वालों से बचा जा सके। दोस्तों 4 स्टार आ चुके हैं पुलिस वालों के, यानी पुलिस पीछे पड़ी हुई है आर्मी वाले। ओ यार कहाँ गिर गए, बोट तो पानी की बजाय यहाँ ज़मीन पे चढ़ गई। अब दोस्तों देखता हूँ इसे धकेलने की कोशिश करता हूँ कि पानी में चली जाए। यार पानी से बहुत दूर है बोट, मुझे नहीं लगता ये नीचे जाएगी। एक तो पीछे से कोई गोलियां मार रहा है, शायद रोबोट है, पुलिस वालों का रोबोट आ चुका है। ये देखो अब ऊपर से गोलियां मारने लगा है, देखो ऊपर है। अब मुझे इससे बचना पड़ेगा, पुल के नीचे भागना पड़ेगा। भाई अब नीचे आ रहा है भाई, इसे क्या हो गया, नीचे गिर गया, ये खुद ही बेहोश हो गया। ये देखो बेहोश ही हो गया, अब फायरिंग करूँगा इसके ऊपर। ये देखो शूट शूट, अब मुझे लगता है तैर के जाना पड़ेगा, इसे कंफ्यूज करना पड़ेगा यहाँ से, फिर आगे जाके मारते हैं इसको। और दोस्तों इस गेम में एक बेनिफिट ये भी है कि इसकी हेल्थ ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगती है जब इनकी गोलियों से दूर चले जाते हैं, तो अपने आप ही इनकी इंक्रीज होती रहती है हेल्थ। ये तो बहुत तंग कर रहा है, इसे मारना ही पड़ेगा, अब इसे साइड में किनारे में चढ़ के मारना पड़ेगा। फाइनली इसे मार ही दिया, तो चलो यहाँ से भागते हैं, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। सामने एक और बोट दिख रही है जिसे लेके भागना है ताकि ये जो 4 स्टार हैं पुलिस के पड़े हुए ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। ये जो मैप में रेड लाइन बनी हुई है, अगर हम रेड एरिया से बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सभी के सभी स्टार्स हट जाते हैं।
दोस्तों वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अब यह स्टार सारे के सारे हट जाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद।